खमंडी मिस्टर इंडियन हैकर। जी हाँ दोस्तों, थंबनेल में बिल्कुल आप लोगों ने सही पढ़ा। ठीक है, ये कोई क्लिकबेट थंबनेल नहीं है, थंबनेल में जो मैंने लिखा है ना एकदम सही लिखा है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोग को असलियत बताने वाला हूँ, रियलिटी बताने वाला हूँ मिस्टर इंडियन हैकर की, कि आखिर सच्चाई क्या है। आप लोग मिस्टर इंडियन हैकर को जानते होंगे, यहाँ पर साइड में देखिए ये चैनल है इनका, कितना बड़ा चैनल है। ठीक है, 3 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर है, यहाँ पर देखिए कम से कम 3 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर है। कोई छोटा मोटा चैनल नहीं, बड़ा चैनल है, बहुत ही बड़ा चैनल है। तो कितना बड़ा चैनल है, लेकिन आप क्या पता इनकी असलियत क्या है, सच्चाई क्या है। आप लोग इनकी वीडियो में देखते हो, आप लोग इनकी वीडियो देख के एंजॉय करते हो, आप लोग इनके क्योंकि इनकी वीडियो पर देखिए लाखों में व्यूज, मिलियन में व्यूज है, हर एक वीडियो पर 6-7 मिलियन व्यूज आता है। लेकिन आप लोग को इनकी जो है रियल लाइफ में मतलब रियलिटी पता ही नहीं कि आगे इनकी रियलिटी क्या है। तो इसीलिए आज की वीडियो में आपको सच्चाई बताने वाला हूं। ठीक है, ना तो मैं इनके ऊपर ना तो इनको कोई गाली दूंगा, ना तो मैं कोई एब्यूजिंग वर्ड यूज करूंगा, यहां पर मैं वास्तविकता बताऊंगा। क्योंकि एक भाई के साथ ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ है और वही मैं आज आपको बताने वाला हूं। क्योंकि आप लोग इनकी वीडियो देखते हो, बड़ा चैनल है, ठीक है, ये एक तरह से एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप लोग देखिए हर एक वीडियो पर लाखों में व्यूज है, यहाँ पर देखिए 30-30, 40-40, देखिए 45 लाख, 39 लाख, 60 लाख, 54 लाख, 72 लाख, 97 लाख, यानी कि 6-7 मिलियन व्यूज आते हैं। कितना बड़ा चैनल है। और इनका जो असली नाम है दिलराज भाई है, मिस्टर इंडियन हैकर का जो ऑनर है यानी कि जो मालिक है वो दिलराज भाई है, असली नाम है। तो आज मैं इनकी वास्तविकता बताऊंगा कि आखिर ये रियल में कैसे हैं। आप लोग इनकी वीडियो को देखते हो यूट्यूब पर, ठीक है, आप लोग एंजॉय करते हो, ठीक है, आप लोग एंटरटेन होते हो, खुश होते हो, तालियां बजाते हो, ये तो आप लोग इनकी वीडियो को देखते हो, कैमरे में देखते हो, लेकिन कैमरे के पीछे ये कैसे हैं आपको तो नहीं पता है। इसीलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं इनकी रियलिटी, सच्चाई, जो आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा ना बिल्कुल सही पढ़ा है। अभी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि आखिर है हुआ क्या है, आखिर हुआ क्या जो मैं आज वीडियो बना रहा हूं इनके ऊपर। तो आज की वीडियो में आप लोग को मसाला तो मिलेगा ही, क्योंकि आप लोग ऐसी वीडियो देखना पसंद ही करते हो। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा आज एक वीडियो बनाता हूं, क्योंकि अभी हाल ही में एक भाई के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। ठीक है, आप लोग जानते होंगे एक चैनल है टेक चैंपियन सपोर्ट, ठीक है, इनको जानते होंगे आप लोग, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, टेक चैंपियन सपोर्ट ये चैनल आप लोग जानते होंगे। ठीक है, यूट्यूब टिप्स देते हैं, ठीक है, इनको मैं अपना एक तरह से गुरु मानता हूं। ठीक है, मेरी कैटेगरी के हैं ये, और इस समय जो है बहुत ही अच्छा खासा जो है अपना यूट्यूब चैनल चला रहा है। ठीक है, तो इन्होंने कुछ टाइम पहले ये मिस्टर इंडियन हैकर के पास मिलने गए थे। तो इनका काम ही है, क्योंकि ये यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब चैनल के मतलब यूट्यूब चैनल कैसे चलाना है, वीडियो कैसे डालनी है, मतलब चैनल कैसे ग्रो करना है, यूट्यूब से पैसे, मतलब ये सारी चीजें बताते रहते हैं, यूट्यूब से रिलेटेड ही वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो इनका काम ही है लोगों से मिलना जो यूट्यूब पर सक्सेस है, जो यूट्यूब पर ग्रो है, जो यूट्यूब से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, उनसे मिलते रहते हैं, इनका काम ही है। ठीक है, तो बड़े बड़े यूट्यूबर से मिलते हैं, उनके पास जाते हैं, ठीक है, उनके साथ वीडियो बनाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, उनकी जो स्टोरी को अपने चैनल पर डालते हैं, जिससे ऑडियंस मोटिवेट होती है, तो वो भी यूट्यूब पर काम करती है, क्योंकि इनका काम ही है यूट्यूब पर जो है लोगों को सिखाना, यूट्यूब के बारे में बताना इनका काम ही है। ठीक है, तो ये वैसे ही बड़े बड़े यूट्यूबर के पास जाते रहते हैं, ठीक है, और हर कोई इनसे मिलता भी रहता है। ठीक है, कोई ऐसा बात नहीं है, सब इनसे मिलते हैं, आराम से मिलते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है भाई कि मेरी स्टोरी लोगों तक पहुंचे, जो उन्होंने लाइफ में किया, जो सक्सेस हुए हैं, जो सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं, वो हर कोई चाहता है। तो ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर के पास जाते हैं। तो ये एक बार सौरभ जोशी के पास भी गए थे मिलने, ठीक है, सौरभ जोशी व्लॉग आप लोग जानते होंगे, वो भी मिलियन में सब्सक्राइबर उनके, ठीक, तो उनके पास भी मिलने गए थे, तो उन्होंने भी मिलने से मना कर दिया था, तो उनके ऊपर भी इन्होंने वीडियो बनाई थी। ठीक है, तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है, मान लो मना कर दिया भाई तुम्हारी चॉइस है। तो इसी तरह ये मिस्टर इंडियन हैकर के पास मिलने गए थे, मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं डालता हूँ टेक चैंपियन सपोर्ट, वो वाली मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। ठीक है, टेक चैंपियन सपोर्ट मैं डालता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मिस्टर इंडियन हैकर। ठीक है, इस तरह से मैंने देखिए लिख दिया, तो यहाँ पर जो है आपके सामने ये वाली वीडियो देखिए, एक महीना पहले इन्होंने देखिए वीडियो डाली हुई है, एक महीना पहले की बात है, देखिए एक महीना पहले इन्होंने वीडियो डाली है, देखिए यहाँ पर लिखा है घमंडी मिस्टर इंडियन हैकर। ठीक है, तो आखिर इन्होंने क्यों लिखा, ये एक महीना पहले गए थे इनसे मिलने, ये रहते होंगे शायद राजस्थान के आसपास, उधर कहीं रहते हैं, ठीक है, जयपुर के आसपास शायद रहते हैं, लोकेशन मुझे नहीं पता। ठीक है, तो वहीं गए थे मिलने इनसे। ठीक है, तो हुआ क्या रियलिटी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इनसे मान लो इतनी दूर मिलने गए, ठीक है, फतेहपुर में टेक चैंपियन सपोर्ट सर रहते हैं, ठीक है, फतेहपुर से इतनी दूर जाना, ठीक है, एक तो पहली बार इतनी दूर गए, ऊपर से मिलने गए, ठीक है, तो मिलने तो गए, लेकिन मिस्टर इंडियन हैकर वहां थे, और होने के बावजूद भी ये मिले नहीं उनसे। ठीक है,
मिले नहीं। ये क्या इनका मतलब था कि उनसे मिलना, उनके साथ एक वीडियो बनाते भाई, इंटरव्यू लेते, उनकी स्टोरी जो है लोगों के सामने बताते, जिससे लोग मोटिवेट होते, ठीक है, मोटिवेट होते तो भाई वो भी यूट्यूब पर काम करते, तो सिर्फ और सिर्फ ये मिलने गए थे। और इन्होंने साफ साफ कह भी दिया था कि भाई अगर वीडियो नहीं बनानी तो मत बनाओ, लेकिन मिल तो लो। लेकिन भाई जो है ये है कि मिस्टर इंडियन हैकर दिलराज भाई, इन्होंने वहां पर अपनी असलियत दिखा दी। वो यहां पर होने के बावजूद भी, घर पर थे, घर पर मौजूद होने के बावजूद भी इनका जो सिक्योरिटी गार्ड था वो बार बार बोल रहा है कि भाई मिस्टर इंडियन हैकर नहीं है, वो यहां गए वहां गए, मतलब एक तरह से बेवकूफ बना रहा था, ठीक है, चेक इनको बेवकूफ बना के एक तरह से भगाना चाह रहा था कि आप चले जाओ यहां से, मिस्टर इंडियन हैकर नहीं मिलने वाले हैं। तो भाई मैं मानता हूं कि आप नहीं मिल सकते, उस समय अर्जेंट है, लेकिन वहां पर टेक चैंपियन सपोर्ट एक दिन रुके भी, ऐसा नहीं कि तुरंत मिलना था इनको, नहीं, इन्होंने टाइम भी दिया, रुके भी वहां पर एक दिन, लेकिन एक दिन रुकने के बावजूद भी जो है ये मिस्टर इंडियन हैकर नहीं मिले। तो ऐसा भाई कौन करता है आप बताओ है? मिस्टर इंडियन हैकर इतना बड़ा चैनल है, आप लोग को, आप लोग इनको देखते हो है? आप लोग इनको देखते हो, आप लोग की वजह से व्यूज लाते हैं, आप लोग की वजह से पैसे कमा रहे हैं, छाप रहे हैं, आप लोग को बेवकूफ बना के व्यूज ला रहे हैं, पैसे छाप रहे हैं, आप लोग इनकी वीडियो देखते हो, और जब आप में से कोई बंदा इनसे मिलने जाता है तो ये मिलने से मना कर देते। तो ये है इनकी रियलिटी। तो ये मिलने गए थे तो मिले नहीं, तो फिर ये टेक चैंपियन सपोर्ट सर वापस आ गए। वापस आने के बाद इन्होंने इसके इनके ऊपर वीडियो बनाई कि इनकी जो घमंडी दिलराज, घमंडी मिस्टर इंडियन हैकर, इनके ऊपर वीडियो बनाई, देखिए एक महीना पहले वीडियो पड़ी, देखिए 76,000 व्यूज आए। इन्होंने सच्चाई बता दी कि भाई मिस्टर इंडियन हैकर कैसे नहीं मिले मुझसे, तो उन्होंने इसके ऊपर वीडियो बनाई, ठीक है, तो उस टाइम तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन एक महीना बाद अब जाकर क्या कहते हैं, अगर आप इनके चैनल पर जाओगे टेक चैंपियन सपोर्ट सर के चैनल पर, तो अभी इन्होंने रिसेंटली देखे 3 घंटा पहले इन्होंने एक वीडियो डाली, ठीक है, तो हुआ क्या, अब जो है मिस्टर इंडियन हैकर को वो वाली वीडियो से अब उनको क्या कहते हैं खुजली मच रही है। अब उनको दिक्कत होने लगी कि टेक चैंपियन सपोर्ट ने मेरे ऊपर वीडियो बनाई, ठीक है, मुझे क्या कहते हैं कि मेरे क्या कहते हैं रियलिटी दिखाने की कोशिश करी, तो ये वीडियो मिस्टर इंडियन हैकर को गलत लग रही होगी, बुरी लग रही होगी, तो उन्होंने जो है इनकी वीडियो को डिलीट करने के लिए बहुत सारे मतलब यहाँ पर चीजें ट्राई कर रहे, कंपनी वेबसाइट के थ्रू इनकी वीडियो को डिलीट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप सही हो अपनी जगह तो भाई क्यों वीडियो डिलीट करवा रहे हो, और वीडियो डिलीट करवाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी डिलीट नहीं कर पा रहे। यहाँ पर देखिए 3 घंटा पहले टेक चैंपियन सपोर्ट ने वीडियो डाली है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ उन्होंने बताया कि वीडियो डिलीट नहीं कर पा रहा, यूट्यूब इनको दोबारा मतलब यूट्यूब खुद इनको थप्पड़ मार रहा है वीडियो डिलीट करने के लिए। जो मतलब क्या कहते हैं जो चीज दिखा रहे, जो प्रूफ दे रहे ना, वो पूरा तरह से बेकार है, यूट्यूब उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। यूट्यूब ने मना कर दिया भाई हम तुम्हारी वीडियो को क्या कहते हैं कि एक्सेप्ट मतलब टेक डाउन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वीडियो टेक डाउन रिक्वेस्ट भेजी जा रही है ना मिस्टर इंडियन हैकर की तरफ से, तो यूट्यूब ने खुद मना कर दिया कि हम भाई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो क्योंकि तुम्हारा गलत ही तरीका है, तुम जो प्रूफ दे रहे हो एकदम गलत है, क्योंकि भाई टेक चैंपियन सपोर्ट ने ना तो इनका कोई कंटेंट यूज किया ना कुछ, केवल नाम यूज किया और फोटो यूज किया है, तो वो तो हर कोई यूज कर सकता है, वो तो क्या कहते हैं यूट्यूब पर हर कोई यूज करता है, और वीडियो में इन्होंने सच्चाई बताई, ना तो कोई गाली दिया ना तो कुछ बोला, केवल सच्चाई बताई क्यों नहीं मिले भाई, तुम घर पर थे, घर पर होने के बावजूद क्यों नहीं मिले, कोई बंदा इतनी दूर से तुमसे मिलने आ रहा है तो तुम उससे मिल लो भाई, थोड़ी देर क्या जा रहा है, अरे तुरंत नहीं मिल पा रहे, थोड़ी देर बाद मिल जाओ, घर पर हो तो मिलो, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, कहीं गए हो, लेकिन जब तुम घर पर मौजूद हो तो मिल सकते हो ना। तो इसी यही जो है टेक चैंपियन सपोर्ट सर को बुरी लग गई, गलत लग गया, तो इन्होंने इसके ऊपर वीडियो बना दी, ठीक है, तो तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक महीना बाद अब जो है मिस्टर इंडियन हैकर को अब दिक्कत हो रही है, भाई तुमने वीडियो कैसे बना दिया मेरे ऊपर, तो अब इनको टेक डाउन रिक्वेस्ट भेजा जा रहा है टेक चैंपियन सपोर्ट सर को, ठीक है, लेकिन भेजने के बावजूद YouTube ने खुद मना कर दिया कि हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो इन्होंने वीडियो बनाई है वीडियो में कोई गलती नहीं, कोई दिक्कत नहीं है और सच्चाई है, ठीक है, जब वीडियो में कोई गलती हो तब YouTube हटाए ना, जब वीडियो में कोई गलती ही नहीं है तो YouTube कैसे इनके वीडियो को रिमूव कर सकता है। तो यहाँ पर जो है मिस्टर इंडियन हैकर को उल्टा तमाचा पड़ गया। तो ये है सच्चाई, जो बड़े बड़े आप क्रिएटर, जो मिस्टर इंडियन हैकर, जो बड़े बड़े लोग के आप लोग वीडियो देखते हो ना, वीडियो देख के एंजॉय करते हो, यहाँ पर देखिए इनका चैनल 3 मिलियन के आसपास, मतलब 3 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर है, ये देखिए कितने अच्छे खासे इन्होंने क्या कहते हैं व्यूज बना रखा है, सब्सक्राइबर बेस बना रखा है। आप लोग इनकी वीडियो देखते हो, आप लोग का ये इस्तेमाल करते हैं, आप लोग इनको देखते हो, आप लोग से व्यूज छापते हैं और आप लोग से पैसे छापते हैं, और जब आप में से कोई बंदा मिलता है तो ये मिलने नहीं, मिलते नहीं उनके साथ। तो ये है रियलिटी, आप लोग इनको क्या कहते हैं कैमरे के सामने तो देखते हो, ऑन कैमरा देखते हो, ऑन स्क्रीन देखते हो तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़े सीधे बनते हैं, बड़े अच्छे इंसान है, लेकिन ऑफ कैमरा क्या है ये आज आप लोग देख लो साइड में, ऐसा होता है, तो कितनी बुरी बात है यार, जब हम ही लोग की वजह से आप इतना आगे बढ़े होते हो यार, हम लोग से मिलने से आपको क्या दिक्कत है यार। कोई अगर आपके पास जाता है छोटा क्रिएटर और आपके साथ कोई वीडियो बनाना चाहता है तो क्यों नहीं बना लेते। तो ये है सच्चाई जो मैंने आपको बता दिया मिस्टर इंडियन हैकर की,
मिस्टर इंडियन हैकर कैसे हैं रियलिटी में। अब हो सकता है शायद अगर मेरी वीडियो भी अगर क्या पता वायरल हो जाए तो मेरी वीडियो को भी डिलीट करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाई करेंगे जरूर, क्योंकि इतने बड़े क्रिएटर इनके ऊपर कोई छोटी वीडियो बना दे तो इनको क्या कहते हैं दिक्कत होती कि कैसे तुमने वीडियो बना दी, कैसे मेरी सच्चाई तुम लोगों को दिखा रहे हो। अगर इतनी ही दिक्कत होती तो भाई जैसे मतलब रियलिटी में रहो, जैसे आप कैमरे पर रहते हो वैसे रियल में रहो ना, कैमरे में दिखाते हो कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत सीधा इंसान हूँ, मैं सबके साथ लॉयल रहता हूँ, ये रहता हूँ वो रहता हूँ, लेकिन कैमरे के पीछे जैसे कैमरा जाता नहीं है ये होता है, तुरंत अपना रूप दिखा देते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मतलब किसी को गलत नहीं दिखाना था, मेरा सिर्फ और सिर्फ ये है वास्तविकता दिखाना, रियलिटी दिखाना, असलियत बताना। जो बड़े बड़े यूट्यूबर बनते हैं ना अपने आप में, वो रियल में कैसे होते हैं। टेक चैंपियन सपोर्ट सर तो ऐसे नहीं है, आप लोग देखो इनके भी 5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं, लेकिन ये हर क्रिएटर के साथ मिलते हैं, चाहे उसके 100 सब्सक्राइबर हो, चाहे 200 हो, चाहे 300 हो, चाहे 4000 हो, चाहे 10000 हो, हर क्रिएटर के साथ मिलते हैं, उनके साथ वीडियो बनाते हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका देते हैं। तो ऐसे आप भी बनो ना। ये बड़े बड़े क्रिएटर यूट्यूब से कितना कमा रहे कभी आपको बताते हैं? कभी नहीं बताते। मैं आपको कितने बड़े बड़े यूट्यूबर कैसे कमा रहे सारी इनकम बताता हूँ, आप लोग को आइडिया मिल जा, मतलब आप लोग को मोटिवेट करता हूँ, नए नए चैनल आइडियाज लाता हूँ, यूट्यूब से कैसे पैसा कमाना, कैसे काम करना, सारी चीजें बताता रहता हूँ। ये कभी बताते हैं आप लोग को कि यूट्यूब पर आओ, काम करो, मेहनत करो, यूट्यूब से पैसा भी मिलता है, यूट्यूब से आप बहुत कुछ कर सकते हो? कभी ऐसे लोग जो बड़े यूट्यूबर हैं कभी आपको बताते? नहीं बताते। तो ये है रियलिटी, सच्चाई, जो आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोग से यही कहता हूँ कि आप लोग सही बंदों के साथ रहो, ठीक है, YouTube पर आओ, वीडियो देखो, एंजॉय करो, लेकिन जो जैसा सामने वाला कर रहा है ना, फिर उसको वैसा ही, उसको तमाचा ही मारो। तो ये होती है रियलिटी। तो मैंने आपको जो वीडियो जो मुझे था मैंने आपको बता दिया, नहीं? अब इसमें से बहुत से लोग को बुरा भी लगेगा, ठीक है, बहुत से लोगों को अच्छा भी लगेगा। तो जिनको बुरा लगेगा उनसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे पता है उनको क्यों बुरा लगेगा, क्योंकि भाई उनके फैन होंगे तो बुरा लगेगा। बाकी जिनको वीडियो अच्छी लगी होगी उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और चैनल पर नए हो तो मैं आपको यूट्यूब से रिलेटेड नए नए वीडियो लाता रहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। तो बस यही था वीडियो में, तो आप लोग से मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।